भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भले ही विविध प्रकार से होली का उत्सव मनाया जाता हो, अलग अलग रस्मों से ये पर्व मनाया जाता हो, लेकिन सबका उद्देश्य एवं भावना एक ही है, भक्ति, सच्चाई के प्रति आस्था और मनोरंजन। बात करते हैं जिला कुल्लू के बाह्य सिराज क्षेत्र आनी की। ये इलाका आज भी कई प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को संजोए हुए है। आनी के गांव बटाला में मनाए जाने वाले फाग मेले की परंपरा भी काफी प्राचीन है। यहाँ के आराध्य देव ठाकुर मुरलीधर के सानिध्य में मनाए जाने वाले इस मेले का यहाँ के ग्रामीणों को बेसब्री से इंतजार रहता है। ये उत्सव बटाला गांव में स्थित ठाकुर मुरलीधर के मंदिर में फाल्गुन मास में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष ये उत्सव रविवार को मनाया जाएगा, जिसमें प्रातः ठाकुर मुरलीधर की पूजा अर्चना के बाद स्थानीय ग्रामीण कृष्ण के संग ब्रज की तरह होली खेलेंगे और सायंकाल में स्नान आदि के बाद मंदिर में ब्राह्मणों द्वारा ठाकुर मुरलीधर की पूजा आरती की जाएगी और उसके बाद भजन कीर्तन का दौर चलेगा। इसी बीच रात्रि 12 बजे के बाद मंदिर प्रांगण में ही पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर नाटी होगी। नाटी का ये दौर प्रातः 4 बजे तक चलता है। इसके बाद होलिका दहन की तैयारियां पूरी की जाती हैं। सुबह 4 बजे 12 जलती मशालों के सुरक्षा घेरे में भगवान श्री कृष्ण चांदी की पालकी में सवार होकर ढोलकी, चिमटा और शंखनाद की मधुर ध्वनि और देव यंत्रों की धुन पर मंदिर प्रांगण में भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं और इस दौरान ब्राह्मणों द्वारा ब्रह्मा गीत के बीच ढाई फेर की परिक्रमा के बाद ठाकुर मुरलीधर अपने गर्भगृह की ओर लौट जाते हैं। प्रातःकालीन पूजा आरती के बाद कारकुनों में प्रसाद वितरित किया जाता है और इस प्रकार फाग उत्सव खत्म होता है।